रानू मंडल को आज कौन नहीं पहचानता। रानू जहां सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई हैं, वहीं उन्होंने अपनी आवाज से सभी का दिल जीत लिया है। सिंगर और एक्टर हिमेश रेशमिया ने अपनी फिल्म हैप्पी हाडी हीर के तेरी मेरी कहानी सॉन्ग की कामयाबी पर अपने इंटरव्यू में कहा कि रानू ने अपनी मेहनत से सिंगिंग स्किल्स सीखे हैं और अब वो प्रोफेशनल सिंगर बन गई हैं। चलिए देखते हैं इसके अलावा हिमेश रेशमिया और रानू मंडल ने अपने एक्सपीरियंस में और क्या कहा। देखिए, मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का कि ग्लोबली पूरे वर्ल्ड का नंबर वन गाना सिनोरिटा को भी बीट करके पिछले हफ्ते तेरी मेरी कहानी नंबर वन हो गया है। वो आप लोगों के प्यार की वजह से हुआ है। इतना प्यार जो आप लोगों ने हैप्पी हाडी हीर को, तेरी मेरी कहानी को, रानू जी को, मुझको वो दिया है, वो कहीं ना कहीं बस एक आशीर्वाद है आप लोगों का कि ये गाना इस तरह से लोगों को पसंद आया। तो मैं यही कहूँगा कि बस ये एक चमत्कार है, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अदरवाइज़ इतने कम समय में इतना बड़ा ग्लोबल हिट तो बहुत मुश्किल से होता है। थैंक यू वेरी मच। सोचा था कि सेनोरिटा को बीट करना नामुमकिन सा हो गया था इस तरह के, हम बोल सकते हैं, लेकिन ये हो चुका है, हम बोल सकते हैं। ये सोचा ही नहीं था कि बस ऐसा लगा कि एक अच्छा गाना, एक अच्छी आवाज़, बस वो दिल से एक आवाज़ आई जब वो सुपरस्टार सिंगर के सेट पे आई कि रानू जी इस आलाप को, इस गाने को बहुत अच्छा गा सकेंगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, यही लगा कि बस कहीं ना कहीं ये उस कॉम्पोजिशन के लिए करेक्ट है। उन्हें हमने स्टूडियो पे बुलाया और फिर उसका मेकिंग जैसे ही मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला, वो कहीं कुछ और ही हो गया। तो लोगों ने इतना शेयर किया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोग सबका, और इतना प्यार देने के लिए। तो ये सोच के नहीं किया जा सकता। हमने हैप्पी हाडी हीर में एक जो स्ट्रैटेजी बनाई थी कि भाई म्यूज़िक इस फिल्म का पहले रिलीज़ होगा, और आजकल म्यूज़िक रिलीज से पहले हिट नहीं होता। पहले ट्रेलर आता है, एक दो गाने आते हैं, और रिलीज़ के बाद फिल्मों का म्यूज़िक या तो चलता है या नहीं चलता। तो हैप्पी हाडी हीर एक प्योर लव स्टोरी है, और वो लव स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं म्यूज़िक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखते वक्त फिल्म को आप कनेक्ट कर पाएंगे जब एक लव स्टोरी के साथ उसका म्यूज़िक, उसके आलाप, उसके जो बैकग्राउंड स्कोर है, उसके गाने के एक एक वर्ड्स हैं, उसे आप कनेक्ट करें, जैसे तेरे नाम में होता था, या जैसे दिल है कि मानता नहीं मैं, साजन में, 90s की फिल्मों में होता था। तो आजकल बहुत कंटेंट आता है, तो कहीं ना कहीं म्यूज़िक रिलीज़ के बाद होता है, लेकिन फिल्म को वो कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती। और मेरी ये एज एन एक्टर 10वीं फिल्म है, तो कहीं ना कहीं दिस वॉज माई फर्स्ट लव स्टोरी। तो उस लव स्टोरी को कनेक्ट करने के लिए मैंने वाशु जी की डॉटर दीपशिखा जी, जो फिल्म को प्रोड्यूस कर रही हैं, कुमार जी जो म्यूज़िक कंपनी है, उनको रिक्वेस्ट की कि ये पिक्चर का म्यूज़िक पहले आए और ट्रेलर बाद में आए, ताकि म्यूज़िक रिलीज से पहले ब्लॉकबस्टर हो सके। तो ये एक ऑटोमेटिक तो म्यूज़िक फिल्म को एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी देगा, लेकिन ये स्ट्रैटेजी रॉन्ग भी जा सकती थी कहीं ना कहीं। तो वो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि ये अपने आप में जो रिस्क हमने लिया कि म्यूज़िक पहले आएगा फिल्म से, वो इतना बड़ा हिट रिलीज से पहले शायद ही किसी फिल्म का हुआ होगा। पिछली बार आशिकी का हुआ था बहुत साल पहले, 4-5 साल पहले। तो वो चीज़ जो हुई, और अभी रानू जी के साथ हमने दूसरा गाना किया है आदत, उसके बाद वो बहुत ही खूबसूरत हुआ है। उसके बाद आशिकी का रिक्रिएशन है, एक टिकटॉक नाम का गाना है जो बहुत ही ज़बरदस्त गाना है। और उसके बाद एक गाना है हमारा, कह रही है नज़दीकियाँ फासले हैं अभी दरमियाँ। तो ये गाने जब बाहर आएंगे, फिर रीमिक्सेस आएंगे, सारे गानों के रीमिक्स वीडियोज़ है, फिर मैशअप आएगा, और उसके बाद जाकर ट्रेलर आएगा जिसमें रिलीज डेट अनाउंस होगी। तो ये ओवरऑल पहले होता था, 3-4 महीने पहले म्यूज़िक आता था और फिर पिक्चर का ट्रेलर आके पिक्चर आती थी। तो ट्रेलर के बाद रिलीज डेट आ जाएगी और उसके बाद हम रिलीज़ कर देंगे। लेकिन म्यूज़िक रिलीज से पहले हिट करने की जो स्ट्रैटेजी थी वो बहुत डिफरेंट थी, आज एक केस स्टडी थी, और वो इस कदर रंग ला रही है, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। वो सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद है, रानू जी की किस्मत है, एक लोगों का जो आशीर्वाद है, और मेरी पूरी टीम का सपोर्ट है, जिन्हें मुझे जिस तरह से मुझे ये स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने दिया, एंड आप लोगों का प्यार है कि इसके म्यूज़िक को इतना ग्लोबली हिट बना दिया।
अब इस फिल्म को देखने का जो लव स्टोरी का कनेक्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज ये फिल्म एज एन एक्टर मेरी वो कोशिश है कि एज एन एक्टर आपको बहुत बड़ा री इन्वेंशन मिले हिमेश एज एन एक्टर. मेरी 10वीं फिल्म है एज एन एक्टर और मैं वो फ्राइडे की तलाश में हूँ जो हर एक्टर की जिंदगी में एक वक्त आता है, मेरी जंजीर या मेरी कबीर सिंह, हैप्पी आर डी हीर हो, ये मैं दुआ करता हूँ क्योंकि उतनी मेहनत हुई है, एक री इन्वेंशन है जो कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है. मेरी 10 फिल्में एज एन एक्टर में 2-3 फिल्में चली है, बट ऑन एज एन एक्टर आई एम एट ग्राउंड जीरो लेवल एंड इफ आई वॉन्ट टू कम देयर आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड एंड विच वी ट्राइड टू. तो 1:00 PM जब फिल्म रिलीज होगी तो आपको एक बहुत नया कनेक्ट मिलेगा इस फिल्म में, एक नया हिमेश मिलेगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी मिलेगी जिससे आप कनेक्ट कर सकेंगे. और मैं जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हर इंसान ने कभी ना कभी किसी न किसी से प्यार किया है, तो वही प्यार की दास्तान तेरी मेरी कहानी के जरिए, सारे गानों के जरिए हैप्पी हार्डी हीर में आपको नजर आएगी. आप क्या कहना चाहेंगे, अब क्या फील हो रहा है, इतना अच्छा रिस्पांस लोगों के थ्रू मिल रहा है, इंटरनेशनल सेंसेशन बोला जाता है आपको इंटरनेट पर, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे बनाया, उनकी और ऑफकोर्स इनकी, क्योंकि इन्होंने मुझे सिखाया गाना तभी मैं गा पाई. जो नया गाना उन्होंने सिखाया, नया गाना तो मैं जानती नहीं थी मगर उन्होंने सिखाया तभी मैं गा सकी ये बात. पहला गाना इन्होंने 3 से 4 घंटे में पहले गा लिया, पहली बार हेडफोन के साथ उनका कनेक्शन बन रहा था तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन बहुत करेक्ट, बहुत अच्छा गाया. बट दूसरा गाना आदत जो अभी आ रहा है वो इससे अच्छा है, और मैं आपको कह रहा हूँ वो 2 घंटे में गाया, बहुत तरीके वो आलाप ही दिया. हाँ, आलाप अभी आया है, अब मैं उसका मेकिंग बहुत जल्दी लोगों के सामने लाऊंगा और फिर वो गाना आएगा. आदत बहुत खूबसूरत गाया है और आशिकी तो और भी जल्दी हुआ, तो अब उनका पिकअप सेंस एक प्रोफेशनल की तरह हो गया है और वो ट्रेनिंग लेसन्स भी ले रही हैं. मेरे डैड भी जिन्होंने मुझे सिखाया वो उनको टिप्स देने वाले हैं और आगे मैं चाहता हूँ बस इनको आगे लेके जाइए, प्यार दीजिए इनको. क्योंकि कोई भी फैमिली में से जब एक आर्टिस्टिक टैलेंट बाहर निकलता है तो करोड़ों लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, कौन सा दिन कब ऊपर वाला आप पे मेहरबान हो जाए. सो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगा कि बहुत बहुत ही ज़बरदस्त कभी ना कभी कोई ना कोई टाइम आता है अगर आप बस मेहनत करते रहिए. जानू मैम, क्या कहना चाहेंगे, जब हिमेश का आपके पास ऑफर आया था सॉन्ग करने का, उस वक्त क्या फीलिंग थी, करना है नहीं करना है, क्या था वो? नहीं, मैं उनके साथ गाने के लिए तो मेरी एक शौब, क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं, इट्स माई प्लेजर, इंग्लिश में ये वर्ड बोलता है और हिंदी में क्या बोलते हैं, सौभाग्य है, सौभाग्य क्या बोलते हैं, वो मैंने सोची. मगर उनके ऊपर तो हमारे जो हमें बनाया वो मतलब उनका मेहरबानी, उन्होंने जिस तरह से उनको चलाया, डायरेक्शन किया है, तो उनके जरिए ये मुझे मिला, तो इस बात का तो मुझे गर्व है और टैलेंट भी. और वो सब ऊपर वाले का करिश्मा है सचमुच, जो पूरा, जब मैं तेरी मेरी कहानी के लिए हैप्पी आर्डियर में एक लव स्टोरी के लिए जो गाना ढूंढ रहा था वो कॉम्पोजिशन के तौर पे था, ड्यूएट के तौर पे मैंने गाया था, लेकिन जो आलाप में मुझे एक नई आवाज़ चाहिए थी वो उसी मोमेंट पे जब टाइम हो गया था रिलीज़ का, तब सुपरस्टार सिंगर में मैं जब जज कर रहा हूँ और सामने वो आती है और वो एक प्यार का नगमा गाती है और मुझे लगता है कि बिल्कुल ये करेक्ट है तेरी मेरी कहानी के लिए, और तेरी मेरी कहानी इस लेवल पे नंबर वन हो जाता है कुछ ही दिनों में, ये तो ये बिल्कुल सिर्फ चमत्कार है, ये हमने कुछ नहीं किया. बहुत बहुत ही पावरफुल मीडियम है सोशल मीडिया, बहुत ही यू नो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस कर सकता है, बस आपकी नीयत सही होनी चाहिए, नीयत में बरकत है मैं ये हमेशा मानता हूँ. तो उसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आप लोगों का योगदान है जिन्होंने ग्लोबली एक ही साथ में कुछ ही घंटों में इसको कहां से कहां पहुंचा दिया, तो मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूं. आतिथ्य चक्रवर्ती के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, रेलवे स्टेशन की बात जब करते हैं तो उनकी उन्होंने अगर वीडियो ना करने का इरादा रखते तो शायद ये भी शायद की बात है, ये नहीं हो सकता था शायद, क्योंकि मैं बॉम्बे आने के लिए मैं प्लेन में आई तो मैं अगर मुझे आने का जो दिल था या फिर मैं सोच रही थी कि मैं आऊँगी,
तभी ना सही, लेकिन कभी ना कभी मैं बॉम्बे में आऊंगी। बॉम्बे में तो रह चुकी हूँ, मगर फिर भी जबकि मैं एक सिंगर की हैसियत से मैं आना चाहा, तब मैं सोचने लगी थी मैं आऊंगी, लेकिन कब आऊंगी ये मुझे नहीं पता था। लोगों ने आपको लता मंगेशकर क्या वॉइस में कंपेयर वॉइस किया, के जी उसको क्या फील हो रहा था, क्या कहना चाहेंगे? जी, क्योंकि मैंने जितना गाना गाया पहले, क्योंकि जैसे कि शोर पिक्चर तो उन्हीं का, वो आवाज़ तो उनकी है, तो उनकी आवाज़ से मैंने गाना गाया। उनकी आवाज़ मतलब उन आवाज़ जैसे कि वो जिस तरह से गाया, उनका उसका गाने जितना भी था पुराना जो मैंने गाया ओल्ड गाना, तो सभी तो लता मंगेशकर की है। तो मतलब उनको भी कोई राइटर ने उनको सिखाया, यहाँ तक कि उन्होंने बंगाल में जाके भी मैंने सुना उनके बारे में, या तो रेडियो में भी बोला कि हेमंत जी जो था वो भी लता जी को कुछ बांग्ला सिखाया, क्योंकि उनको बांग्ला नहीं मालूम था, वो तो यहाँ का महाराष्ट्रियन है लता जी, तो मंगेशकर, तो उनको भी बांग्ला में जाके सीखना पड़ा था। लेकिन वो उसने उसने कोई मतलब ऐरा गहरा कोई इंसान से नहीं सीखा, बल्कि वो वहाँ का हेमंत जी जिसका नाम, वो भी एक रेडियो आर्टिस्ट, उनके पास से उन्होंने सीखा लता जी ने बंगाली गाना, क्योंकि उनको तो नहीं मालूम था बंगाली गाना। फिर भी उनका जो आवाज़, जैसे कि उसको कोकिल कंठ से उसका उपाधि मिला है ना, तो उसके हिसाब से उसकी आवाज़ सचमुच खूबी बहुत खूब है। जैसे कि हीरो पिक्चर में जैसे वो गाना है, डुएट गाना, डुएट है वो पिक्चर, किताबों में लिखा है, सॉरी, लोगों से सुना है, किताबों में लिखा है, सबने यही कहा है, सबने यही कहा है, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। हर्षवर्धन भट्ट भी है फिल्म में, किस तरह का एक्सपीरियंस उनके साथ रहा? हर्षवर्धन भट्ट मेरे कैरेक्टर का नाम है, जो एक गुजराती एनआरआई बिजनेसमैन है, और हर्ष हरप्रीत सिंह लांबा एक सरदार के कैरेक्टर में भी मैं हूँ। तो दो कैरेक्टर्स हैं, डबल रोल है या नहीं वो अभी नहीं बता सकता, लेकिन सोनिया मान हीरोइन है, जो एक पंजाबी एक्ट्रेस हैं और हिंदी फिल्म में पहली बार डेब्यू कर रही हैं, तो उनका कैरेक्टर है, तो हमें एक ठेठ, बिल्कुल ठेठ पंजाबी बोलने वाली एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिन्हें हिंदी भी आती हो। वो बहुत ही सुंदर एक लव स्टोरी है जो उसमें 9 गाने हैं और वो बिल्कुल पिक्चर के साथ फ्लो करते हैं, स्टोरी को आगे लेके जाते हैं, और एक ऐसी कहानी जो हर इंसान ने कभी ना कभी किसी न किसी से प्यार किया है, उसी प्यार के नाम ये कहानी है। तो आपको हैप्पी हाडी हीर में वो कहानी नजर आएगी जो आपकी कहानी, हमारी कहानी है, तेरी कहानी है, मेरी कहानी है।